वेलकम टू ममताज किचन फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मूली की सब्जी। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, टेस्टी भी है और एकदम झड़प से बन जाती है और इजीली बनती है। तो आइए बनाते हैं हम आज एकदम चटाकेदार मूली की सब्जी। मूली की सब्जी बनाने के लिए हमने मूली के पत्ते ले लिए है, एकदम फ्रेश पत्ते लेने हैं हमें। एकदम अच्छे से इसे धोकर हमने क्लीन कर लिया है और 3 मूली ली है, इसे भी हमने धो ली है अच्छे से। और आप ज़्यादा मूली लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक कटोरी हमने दही लिया है, थोड़ा खट्टा वाला दही लेना है हमें। और ये एक कटोरी हमने भुना हुआ बेसन लिया है, इसे ड्राई रोस्ट कर देना है। और थोड़ा हमने गुड़ लिया है और बाकी के हम रूटीन मसाले लेंगे। तो सबसे पहले हम ये मूली और पत्तों को कट कर लेंगे। तो ऐसे हम इसे कट कर लेंगे। मूली को हमने कट कर लिया है, इसे एक बाउल में ले लेते हैं। और अब इसके पत्ते जो है उसे भी हम कट कर लेते हैं ऐसे। ये हमने कट कर लिए है, सारे पत्ते हम इसी तरह कट कर लेंगे। तो ये सारे मूली के पत्ते भी हमने कट कर लिए हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है और उसमें हम ऑयल डालेंगे। 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे और थोड़ी अजवाइन डालेंगे। और मूली जो हमने कट करके रखी थी वो पहले डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हींग डालेंगे हम। हल्दी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी या कोई भी रेसिपी में आप हींग डालना चाहे तो डायरेक्ट ऑयल में मत डालिए। सब्जी वगैरह थोड़ा डाल के उसके बाद हींग डालिए तो हींग की फ्लेवर एकदम बढ़िया आएगी। 1 मिनट तक भून लेना है। और अब हम जो ये हमने मूली के पत्ते कट करके रखे थे वो डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं जब हमने ये मूली के पत्ते डाले थे तो काफ़ी सारी क्वांटिटी दिखती थी। थोड़े ये गर्म होते ही ये सॉफ्ट होकर कम हो जाते हैं। तो आप नमक एकदम पहले से मत डाल दीजिएगा। ये मूली के पत्ते थोड़े सॉफ्ट हो जाए उसके बाद डालिए। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और ये गुड़ लिया था वो भी हम अभी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम ढककर पकाएंगे थोड़ी देर। और थोड़ा हम उसके ऊपर पानी डालेंगे। अभी हम सब्जी देख लेते हैं हमारी। देख सकते हैं आप, ये एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें हम अब बाकी के सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर। थोड़ा धनिया जीरा पाउडर इसमें ज़्यादा डालिए क्योंकि हम इसमें बेसन डालने वाले हैं तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। और गरम मसाला। और मिक्स कर लीजिए इसे। और ये मसाले के साथ हम फिर से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो इसे ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं तो देख लेते हैं। एकदम अच्छे से हमारी सब्जी मसाले के साथ भी भून चुकी है। एक बार चला लेते हैं। और अब हम इसमें हमने जो दही लिया है वो डालेंगे। एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बाकी का दही भी डाल देते हैं। और अब जो हमने ये बेसन लिया है भुना हुआ उसे हम ऐसे हाथ से लेकर ऐसे अंदर डालेंगे। एक साथ हमें नहीं डाल देना है। तो ये बेसन भी हमने डाल दिया है और इसे फिर से हम
बेसन डाल के तुरंत हमें इसे नहीं चलाना है, उसे हम ये पानी वाली डिश है उससे ढक कर रखेंगे। देख लेते हैं 2 मिनट के बाद। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम फटाफट ये सब्जी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो ये मिक्स हो गई है, इसे हम गैस बंद कर देंगे अब और ऐसे ही ढक कर 1 मिनट के लिए रखेंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं और एकदम हमारी सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए। सब्जी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। इसे आप रोटी, पराठा, चपाती और बाजरे की रोटी के साथ भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये हम मूली का एक फूल बनाया है, फ्लावर बनाया है, इससे हम गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है एकदम चटाकेदार और हेल्दी भी है ये सब्जी। तो तैयार है मूली की सब्जी।